नमस्कार, मैं सोम भारती और आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। आज हम दिल्ली की जनता के बीच आए हैं, तो जानते हैं दिल्ली की राय, जनता की राय तो क्या चाहते हैं 2019 को चुनाव को लेकर, क्योंकि मोदी सरकार के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बाद जनता क्या कहना चाहती है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार या कोई दूसरा ऑप्शन है, तो जानते हैं। हाँ चाचा जी, बताइए तो इस बार किसकी सरकार होगी? कांग्रेस की। किस लिए होगी कांग्रेस की? कांग्रेस की सरकार पहले से करती आ रही है और अच्छा काम करा उसने, कोई गलत नहीं करा। मोदी सरकार ने कुछ नहीं करा। क्या नहीं किया मोदी सरकार ने? सब सारे कारोबार बंद करवा दिए। और कांग्रेस सरकार जो पिछले 70 साल से रही है पूरे इंडिया में, कांग्रेस जो भी मतलब कर रहा काम उसको बंद नहीं करा उसने काम को। क्या नहीं बंद किया काम? कोई भी काम कारोबार का किसी पे वो नहीं लगाया उसने। छोटे मझोले काम जो चल रहे थे वो चल रहे थे, किसी को रोक टोक नहीं थी काम करने की। अब पाबंदी लगा दी, रेहड़ी पटड़ी वालों पर पाबंदी लगा दी, हर चीज़ पर पाबंदी लगा दी, सारे कारोबार बंद करवा दिए छोटे मोटे जो मझोले काम चल रहे थे। कांग्रेस आनी चाहिए, उन्हें सब बात का पता है। ड्राइवर को गाड़ी चलाने का नॉलेज है, उसको रोड का भी पता है। जिसे पता ही नहीं है कैसे मतलब कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा, यानी मोदी जी को नहीं पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है ना, इसको कोई पता नहीं। ये सब ऐसी बकवास करते हैं। यानी आपके कहने के मुताबिक है कि कांग्रेस अब की आएगी तो देश का विकास होगा? बिल्कुल होगा। चलिए ठीक है, कांग्रेस नहीं करा विकास, बीजेपी ने क्या करा? ये तो करे कराए को खा रहे हैं। बीजेपी तो कुछ भी नहीं करा बीजेपी ने, तो कांग्रेस में तो बहुत बढ़िया चल रहा था काम। तो अब की बार किसकी सरकार आएगी? भाई मोदी की आनी चाहिए। भाई क्यों आनी चाहिए भाई? मोदी ने बहुत अच्छे काम करे। क्या अच्छे काम? रोड नहीं था वहाँ रोड बना दिए, जिसके पास घर नहीं था उसने घर बना दिया। कौन सा घर दिया है भाई? यूपी के अंदर जितने भी यूपी के अंदर हमारे रिश्तेदारी है सबके लेटरिंग बाथरूम मकान बनवा दिए भाई मोदी ने। लेकिन बराबर देखा जा रहा है कि वो जुमले की सरकार बताई जा रही, जनता बता रही, तो उसके बारे में क्या कहना है? नहीं भाई साहब, मोदी सरकार आनी चाहिए। यानी मोदी सरकार आनी चाहिए? बहुत अच्छे काम किए मोदी ने भाई। क्या आपके खाते में 15 लाख आ चुके हैं? नहीं, पैसे आए या ना आए, मैं तो चाय बेचता हूँ भाई, चाय से अपना गुजारा कर रहा हूँ भाई। तो मोदी चाय बेचकर पीएम बने तो आप भी पीएम बनना चाह रहे हैं भाई? खैर हम नहीं बनेंगे तो उनके सहारे से हमें रास्ता तो सही मिल रहा है, ये भी तो बताइए आप। जो 15 लाख देने की वादा किया था, उसके बाद किसानों को रोजगार दिया था, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, तो भाई रोजगार क्या, किसानों को तो लोन भी दे दिया है और दे भी रहे हैं, अब साल का 6,000 रुपये साल का किसानों को देना शुरू कर दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने तो 10,000-12,000 रुपये सालाना देने की बात कही है। किसने जी? मध्य प्रदेश सरकार ने, कमलनाथ का? नहीं भाई साहब, हम तो मोदी पे विश्वास मानते हैं भाई, जो भी है। बीजेपी के कार्यकाल को किस नजरिए से देखते हैं आप? बढ़िया कार्यकाल है बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी के कार्यकाल बढ़िया है, उन्होंने जनता के लिए कुछ किया? जनता के लिए बहुत कुछ करा भी और कुछ करा भी नहीं। अच्छा अच्छा, और क्या कहते हैं जो 15 लाख का वादा था वो कहाँ पूरा होने वाला है? 15 लाख का वादा तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, ये तो वादे होते हैं सिर्फ इलेक्शन के उसके लिए। अच्छा, प्रोपेगंडा होता है। इस बार आप किसे मतदान करेंगे? ये तो हमारे लिए सीक्रेट है, आपके लिए भी। अच्छा अच्छा, तो क्या इस बार बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी? चांसेस तो लग रहे हैं। अच्छा, देखते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।